क्या आपको भी मोबाइल्स में प्रॉब्लम्स आती है कि आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, मैसेज के साथ में आप किसी को काफ़ी सारे इमोजीज या फिर आपको कुछ अलग तरह के इमोजिंग चाहिए जो ट्रेंडिंग में चल रहे हो, कुछ इस तरह के आप देख रहे हो यहाँ पर? एंड इसके साथ साथ ही आप ये भी चाहते हो कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो पर मैसेज में आपको किसी को एड्रेस या किसी को लोकेशन सेंड करनी है, बट आप गूगल से सर्च नहीं करना चाहते, यहीं पर ही गूगल का ऑप्शन आपको मिल जाए, यहाँ से आप जो भी सर्च करना चाहो वो सर्च कर सकते हो एंड यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिए एंड वहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप यूट्यूब का भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाए एंड आप जो भी सर्च करो यहाँ से यूट्यूब का लिंक किसी भी बंदे को आप मैसेज के थ्रू सेंड कर सकें। एंड इसके साथ ही आपको मैप्स का ऑप्शन भी मिल रहा है यहाँ पर, आप कोई भी मैप सर्च करिए एंड मैप में जो सर्च कर रहे हैं वो भी किसी के शेयर कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप कॉन्टेक्ट भी शेयर कर सकते हैं किसी को। आप इतनी सारी चीज़ें मैसेज के थ्रू सेंड करना चाहते हैं एंड आपको कोई भी अलग से कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं हो, सिर्फ आप अपने आईफोन के कीबोर्ड के अंदर ही रहें एंड वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें सर्च करने के लिए मिल जाए, तो आपको आईफोन यूज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से आप जैसे सर्च कर रहे हो, ओके, यहाँ से एप्पल सर्च किया एंड गूगल के ऊपर एप्पल सर्च कर कर आप किसी भी वेबसाइट वगैरह किसी को भी शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ ऊपर ही ऊपर जो सर्च कर रहे हैं वो वाली वेबसाइटें यहाँ पर शो कर रही है। ओके, आप किसी को भी जिस तरह से आप मान लो ये वाली वेबसाइट किसी को सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना, ओनली क्लिक करते ही उसका यूआरएल ऑटोमेटिक ही अगले के पास में सेंड हो जाएगा। आपको कहीं से भी ब्राउज़र के अंदर से आपको कुछ भी सर्च कर कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा एंड एक ऐप है, ये ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है जी बोर्ड के नाम से, ये वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है अपने आईफोन के अंदर एंड इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको एक्सेस देना होगा। आप यहाँ से आप सेटिंग ओपन करना है एंड सेटिंग में जाकर आपको कीबोर्ड सर्च करना है। ओके, कीबोर्ड यहाँ से सर्च करने के बाद में यहाँ पर कीबोर्ड्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको जो जी बोर्ड एप्लीकेशन अपन ने इंस्टॉल की है वो उसके ऊपर जाना है एंड यहाँ से आप उसको फुल एक्सेस दे दीजिए। फुल एक्सेस देने के बाद में एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको कीबोर्ड की सेटिंग ओपन करनी है। यहाँ पर आप देखें जो जो चीज़ ऑन रखना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ से ऑन कर लीजिए एंड इसके बाद में आपको सर्च वाली सेटिंग भी मिल रही है। यहाँ से आप सर्च वाली सेटिंग में आपको कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन है, इसको ऑन करना है। यहाँ से आपको ऐड लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ऐड लैंग्वेज पर जाना है एंड यहाँ से आपको काफ़ी सारे लैंग्वेज मिल रही है, इन सभी लैंग्वेज को आप अपने कीबोर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड नीचे की साइड में आपको देखिए थीम्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो जो आपके कीबोर्ड की थीम्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे थीम्स का ऑप्शन मिलता है आपको।